أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين भटकल मुस्लिम यूथ फेडरेशन की तरफ से हमारे नौजवान और भटकल के जुमला अहबाब का ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना वक्त फारिग करके मुख्तसर से वक्त में इतनी बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जमा है। मैं तमाम हजरात का इस्तकबाल करता हूँ। इसी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट, मीडिया और मैडम एसी साहबा का भी ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे लिए वक्त फारिग किया। ये जो मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, इसकी आज़ादी को दिलाने के लिए, इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए यहाँ के हर बाशिंदे ने अपना रोल पेश किया है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक ने अपनी जान की कुर्बानी दी है और ये पूरे मजाहिब के लोग मिलकर इस मुल्क को उन्होंने आज़ाद कराया है। इसी वजह से हमारे इस मुल्क का जो दस्तूर मुकर्रर हुआ, वो दस्तूर जमहूरी मुकर्रर हुआ, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। और डेमोक्रेसी में हर मजाहिब का जो शख्स रहता है उसको अपने मजहब पर अमल करने का, अपने मजहब पर चलने का पूरा इख्तियार रहता है। तो वहाँ से हमारी आज़ादी हम तमामों ने मिलकर इस मुल्क को दिलाई। और उसके बाद जो एक सोसाइटी में एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंट रहती है वो बहुत अहम है, और उस एजुकेशन के जरिए से ही हर सोसाइटी आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर काम अपना अंजाम देती है। इसलिए जो हमारा दीन इस्लाम, हर मजहब के अलग अलग खसूसियात और उसके अख्तियारात होते हैं। किसी मजहब में कोई चीज़ कंपलसरी होती है, किसी चीज़ में कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो ऊपर वाला कुछ नहीं देगा। ये जो हमारा मजहब इस्लाम है उसमें हिजाब हमको कंपलसरी किया गया है। और कुरान मजीद की जो आयत अभी कारी साहब ने आपके सामने पढ़ी, उसमें हिजाब की फर्जियत बताई गई है और बताया गया है कि तमाम मुसलमान औरतों पर इसको कंपलसरी करार दिया गया है। और इस्लाम होने के नाते इस्लाम का हमें ये पैगाम है, और हम मुसलमानों का भी यही पैगाम है। इस्लाम का जो पैगाम है वही हमारा पैगाम है, और वो ये है कि हम हमारी कंपलसरी की हुई चीजों में किसी इंच की भी कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम यहाँ रहेंगे तो हमारे पूरे इख्तियारात के साथ रहेंगे, जिस तरह हमें हमारा हक, हमारा दस्तूर देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो इख्तियार देता है, उस इख्तियार के साथ हम इस मुल्क में रहेंगे और हम उस हक को, हमारा जो हक है उसे हम लेकर रहेंगे। अब हमारा जो इस वक्त जो हम मेमोरेंडम देने वाले हैं, वो मेमोरेंडम हमारे इसी बात पर है कि हिजाब हम पर कंपलसरी की हुई एक चीज है, लिहाजा हम उसमें कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी जो बात है वो ये है कि हमारी जो मुस्लिम बहनें एग्जाम से रोकी जा रही हैं, हमारे करीब के इलाके में उड़पी में, कुंदापुर में, जहां पर वो रोकी जा रही हैं, हमारी गुजारिश है मुअद्दबाना कि उन्हें एग्जाम उनको दिलाया जाए, उन्हें एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए, और जो प्रैक्टिकल एग्जाम जो उनका छूट गया है उसका भी उन्हें री एग्जाम देकर उन्हें उसका एग्जाम दिलाया जाए। दूसरी जो हमारी मेमोरेंडम देने में जो बात है वो ये है कि हमारे जो भाई, हमारे जो ब्रदर यूक्रेन में जो फंसे हुए हैं, तकरीबन 25,000 के करीब उनकी तादाद है, और उसमें से बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट को लाने में हमारी सरकार कामयाब हुई है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जिस तरह आप 10,000 बच्चों को लेकर आए हैं, इसी तरह जो वहां पर 15,000 या 10,000 जो भी बच्चे फंसे हुए हैं, जैसा कि वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही हैं और जो हमारे नेशनल मीडिया हैं वो उसको दिखा रहे हैं, उन तमामों की भी उसी तरह फिक्र करें जिस तरह के वो तमाम लोग एक ही कौम के फर्द हों और एक ही घराने के फर्द हों, उसी तरह फिक्र करें। हमारी यही गुजारिश है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। की प्रोसीडिंग्स की जो अहम कड़ी है वो मेमोरेंडम जनाब एसी साहबा के तसव्वुत से हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भेजना है।
हमारे दो मेमोरेंडम हमने तैयार किए हैं। पहला मेमोरेंडम जो हमारा आईनी हक है उसके मुतालिक होगा, और दूसरा जो मेमोरेंडम है यूक्रेन में फंसे हुए हिंदुस्तानी जितने भी तलबा हैं उनको फौरन डिप्लोमेटिक टॉक के जरिए वापस लाने के बारे में इसमें तज़किरा किया गया है। टू बसवराज बम्बई, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कर्नाटका, सब्जेक्ट टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन अथॉरिटीज एंड अरेंज री एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट्स हु हैव बीन डिनाइड एग्जाम्स फॉर रीजन ऑफ वेयरिंग हिजाब। Indian students stuck in war zone, Ukraine are making rounds in social media platform, and it is a major concern as to what lies with the future of these students. The students are seen pleading and begging for help to government of India to bring them back to India via diplomatic levels. Therefore, with utter despair, we demand that the government of India via any and every possible means of dialogue of or diplomatic efforts with any country possible bring back Indian students from Ukraine immediately, as this is the priority of the hour. General Secretary, Patkal Muslim Youth Federation, Patkal. As the Patkal Muslim Youth Federation has given two memorandums today, one is with respect to hijab, the constitutional right which they are supposed to wear, the wearing of hijab, and second one is with respect to bring back Indian students who are at Ukraine because of the war, the mission, and recent death of our Karnataka se Haveri student has died. So whatever the prayers or whichever the memorandum submitted today to our office, so to the esteemed office of Prime Minister, we will definitely forward through our sincere efforts. And the district administration will always be there in your coordinated efforts. So I would like to say these words. We are all with you. So these are our words. और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जिन्होंने भी हमारा सपोर्ट फरमाया, मैं उन तमाम हजरात के ममनून और मशकूर हूँ। मैं इसी बात पर और तमाम स्पोर्ट्स सेंटर का भी ममनून और मशकूर हूँ। मैं इसी करीमात के साथ आज की इस नशिस्त को बर्खास्त करता हूँ। आखिर दवा अलहमदिल्ला।